हम लोग ना जिस होटल में रुके थे स्नो वैली में, वहाँ से चेकआउट करके हम लोग कॉम्बरमेर में जा रहे हैं। तो मैंने अपना व्लॉग अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता है जब आप फैमिली के साथ होते हो तो अच्छे से व्लॉग भी आप स्टार्ट नहीं कर पाते हो कभी कभी। आफ्टरनून फ्रॉम शिमला, सेकेंड डे, और मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया है जिसमें मैं अभी नहा के आई हूँ। आज बहुत लेट हो गया नहाने के लिए, और पता है शिमला में आके जो धूप है ना, इसको सेकने का मज़ा ही अलग है। मेरी टी शर्ट ना गंदी हो गई थी तो मैंने बोला इधर सूखने के लिए डाल देती हूँ। और हमारे होटल से जो व्यू है वो बहुत मस्त है। मेरी सच्ची में दिली ख्वाहिश है कि मेरा सब शिमला में हो, मतलब एक छोटा सा घर हो पर जैसा व्यू पर शिमला में। सच्ची बताऊँ, मुझे इतना मोहब्बत है शिमला से। और नहा भी ली, जकूजी में नहाए, इतना मज़ा आया गर्म पानी से नहा के। मॉल रोड बिल्कुल हमारे पास, मॉल रोड है, और हम लोग का जो रूम है ना वो बहुत बड़ा है। मतलब हम लोगों ने पेंट हाउस टाइप लिया है, ये होटल टाइप नहीं है, इसलिए कि होम थोड़ा फैल गया है। देखो कितना बड़ा एरिया उन लोगों ने हमारा ना अपग्रेड कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी सीज़न नहीं है तो अपग्रेड कर दिया। हम लोग ना जब भी ट्रैवल करते हैं हम लोग ना कंट्री कर लेते हैं, जैसे मैं, ये मम्मी, प्रीति, तो हम लोग सब कंट्री करते हैं। जैसे एक होटल होता है तो हम रूम में, मतलब उसमें फिर डिवाइड कर लेते खाना पीना, घूमना, टैक्सी वैक्सी सब। तो उससे ना हमारा ट्रिप बहुत अफोर्डेबल पड़ता है, बट कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है हम लोग की इसी वजह से। हाँ, हमारा डाइनिंग टेबल, लिविंग एरिया बहुत बड़ा है हमारा। कहूंगी तब तो आप बोलोगे यार इतने बड़े बड़े रूम। अरे मॉल रोड बिल्कुल हमारे होटल से निकलते ये व्यू है आपको, होटल से नहीं हमारे रूम से निकलते। कॉम्बरमेर में रुकना एक बार, ट्राई करना, रोड इतना पास में है ना, मजा आ जाता है, भी बहुत प्यारा लगता है। मुझे पटना लेके जाने हैं कुछ गर्म मोटा सामान यहाँ से। अभी तो हम मॉल रोड के पास ही हैं, तो अभी नहीं आते टाइम खरीदूंगी, पहले सब देखूंगी, लेकिन पहले खाना खाएंगे। तो मेरा वन मील अ डे का टाइम हो गया है। एज यूजल हम लोगों ने खाना खाना है 1873, मेरे फेवरेट दाल चावल। और मुझे यहाँ का ना पालक पनीर और मिस्सी रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं स्पेशल भूख बना के आती हूँ। मैंने सुबह सिर्फ फीकी चाय पी है और कुछ भी नहीं खाया है। मुझे था कि नहीं, मुझे वहाँ पे जाके खाना है, तो हमने ऑर्डर किया और आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। अगर आप कभी शिमला में आते हो ना तो मॉल रोड पे 1873 रेस्टोरेंट पे खाना ज़रूर ट्राई करना। इनका एम्बियंस बहुत अच्छा है और खाना तो बहुत ही टेस्टी होता है। दाल चावल कुछ भी आप ऑर्डर करोगे, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। शायद शिमला है इसलिए, नहीं यार सच में भी बहुत बहुत ज़्यादा जो यम्मी होता है, तो मुझे काफ़ी सुकून मिला। उसके बाद मुझे ट्राई करनी है जलेबी खानी नाथ वायरी। उन्हें खानी है नथू राम, वो जो गाना है ना, जलेबी खानी नथू बाईरी, साथी कुमणा ते शिमला। गाने में सुना है ना हमने कि जलेबी खानी नथू बाईरी, आज वो खाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। ट्रिप ना आपका फैमिली के साथ होता है ना, वो ट्रिप अपने आप में बहुत अच्छा बन जाता है। आप मतलब उसको बहुत इन्जॉय करते हो, वो चाहे कहीं भी कोई भी जगह हो। मम्मी ना याद कर रही थी, हाँ मैं तेरे पापा के साथ ना यहाँ पे आती होती थी। और ना आप लोग अगर आते हो ना तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई कर। थोड़ी सी करवा लो, ऐसे नहीं होगा। कड़ा हुआ दूध, उसके ऊपर थोड़ी सी मलाई है। आज मैंने सोचा मैं अपनी डाइट को भूल जाऊंगी, क्योंकि मुझे ट्रिप को भी इंजॉय करना है और मुझे ये चीज़ ट्राई करनी थी। शिमला में आए हो ये ज़रूर ट्राई करना, और त्रिशूल बेकरी का पेस्ट्री ज़रूर ट्राई करना आप लोग। ये मुझे सबसे अच्छा लगा, दूध और जलेबी का कॉम्बिनेशन। बच्चे से खाने के बाद अब हम चल रहे हैं मॉल रोड की साइड, क्योंकि मॉल रोड में जाए बिना ट्रिप तो बहुत अधूरा होता है। यहाँ पे आओ, बैठो, रिलैक्स, दो तीन घंटा आराम से बैठ के वॉक करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, चाय पियो, आपको इतना सुकून देता है ना। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता मैं घूमने आई हूँ, आई एम फीलिंग लाइक मैं अपने घर पे हूँ, और मुझे मेरा पूरा घर फील होता है शिमला में आके, और ये मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है। शिमला आ रहे हो तो ठंड हो चुकी है, थोड़े बहुत अपने कपड़े ज़रूर लेके आना, क्योंकि शाम को तो और ठंडा हो जाता है। 12 के बजे ठीक होता है, 3 बजे फिर से ऐसे ठंडा शुरू हो जाता है। अब हम पियेंगे चाय, और कुछ ड्राई फ्रूट्स मुझे दिख रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि साथ में इसको ना मैं कैरी कर लूँ। मैंने ना, हम लोग आए और मैंने चेंज किया, ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से सनसेट। और पता है पटना में 5:20 पे मतलब पूरा अंधेर हो जाता है, यहाँ पे अभी देखो 6:15 हुआ है, अभी स्टिल सनसेट हो रहा है।
सो ये ब्यूटी है हिमाचल की। पटना भी अच्छा है, बीटा भी अच्छा है, कैंपस भी अच्छा है, पर यार जो आपकी जन्मभूमि होती है ना, यहाँ पे आप पले बड़े होते हैं, वो एरिया से जो लगाव होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। हमारे कपड़े उपड़े ना ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं, इसको खोलते हूँ। अरे क्यों नहीं खुल रहा है? ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। पर यहाँ पे बहुत ठंडा है, सच्ची बताओ इनर की जरूरत थी, क्योंकि मैंने एक ही मोटी लिया ऊपर से ये पहना और सिर में ठंड लग रही थी। अरे यहाँ पे हल्का स्वेटर तो चाहिए, ऊपर तो मॉलर पे ठंडा हो जाता है, दिन में थोड़ा सा ठीक है बट ठंडा है। पर मुझे ठंड बहुत पसंद है। बता ये क्या बोल देती थी, उसमें काफ़ी बार आपको होता है भगवान जी हम लोग को उधर भेजना है, यहाँ पे हमेशा स्नो पड़ती हो, बर्फ़ हो। और कुदरती ये जो जगह है ना, ये जगह तो मतलब मेरे दादा, परदादा, मेरे पापा, मतलब उन लोगों से पूरी तरह से कनेक्टेड है। हमारा जो रोज़गार है ना, मतलब ये हिमाचल रोडवेज है। सब मम्मी पापा सब इधर रहते थे, मॉल रोड पे घूमना, वहाँ पे रहना, से इसलिए भी जो जगह है ना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं और ये भी इधर ही घूमने को आते थे, तो हमारी लव लाइफ भी शिमला ही है। सो हम लोग के घर के बहुत पास में पड़ता है। यार आपको अपने एरिया की ना, आपके एरिया से, लोगों से, जगह से प्यार और होता है जब आप बाहर रहते हो, घूमते हो, तो आपको और लगाव प्यार होता है, फिर आपको रियलाइज होता है। दीदी बाहर सनसेट देखे तो सुंदर लग रहा है। हम लोग थोड़ा फिर से घूमने के लिए आ गए, सब लोग कर रहे हैं रेस्ट, मैं, मम्मी और प्रीति। तो मम्मी धीरे 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 चल रही है। अब शाम को तो और मज़ा आता है घूमने का, शॉपिंग का, छोटी छोटी कुछ कुछ चीज़ें लो। मुझे नींद नहीं आती आपको पता है, तो मुझे थोड़ा सा टहलना अच्छा लगता है, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी आज, बड़ा मीठा। मुझे ना यार मोजे लेने थे, जो नहीं होते ऊनी होते हैं वो वाले, मैं देख रही थी कि मैं लूँ। के टाइम पर कुछ अलग ही वाइब आती है। चलो जी अपनी शॉप पे चलते हैं, जहाँ से मैं काफ़ी सारी शॉपिंग करती हूँ मम्मी के लिए, जो सब सूट पे चलेगा। हाँ ये चलेगा ना, ये चलेगा मेरे ख्याल से ना, ये भी है। आपके पास पूरा ब्लैक कलर भी होगा भैया? रात का 9 बज रहा है और हम लोग मॉल रोड पे टहल रहे हैं। हम तीसरी बार आ गए, क्योंकि कितना पास में है ना हम लोग का स्टे, तो ऐसे ही टहलने के लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पे से ऐसे, क्योंकि टहलने की काफ़ी सारी जगह है और फिर इससे ब्यूटीफुल तो क्या ही हो। के टाइम पे ऐसे मज़ा आता है ना, आइसक्रीम खाओ या गर्मा गर्म कॉफ़ी। पर आपको तो पता है मैं चाय की दीवानी प्रियंका हूँ, तो मैं तो लेने जा रही थी चाय। मैं ऐसे चाय पीती नहीं हूँ शाम को, बट आज मैंने ना सब अपनी डाइट सब साइड में रख के सोचा है कि पूरा इन्जॉय करना है। इतना अच्छा लग रहा है यार, मतलब इतने समय के बाद घर आओ और यहाँ पर आओ और इस तरह की लाइफ, चाय पियो, मज़ा आ गया यार। 12:15 हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। हम सब लोग खूब सारी गप्पे मार रहे हैं, तो सुंदर लग रहे हैं यार रात को। कुछ कुछ वहाँ पे कपल है तो वो ऐसे वॉक कर रहे हैं। मॉल रोड पे भी कुछ कुछ लोग हैं, बट 9:30 बजे हिमाचल चंडीगढ़ जो भी होता है बंद हो जाता है ऑलमोस्ट, ना कुछ नहीं होता। आपको पता है हम लोगों ने चाय ऑर्डर करी है, हम चाय पियेंगे। मम्मी लोगे ना आप चाय? 2 चाय है वो 3 हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, 7 बज रहे हैं और जस्ट उठ के सीधा बाहर आ गए। छिक्के लग गए, ठंडा यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं कहा मम्मी बोलो गुड मॉर्निंग, अरे क्या बोलो एवरीबॉडी। मम्मी के रूम से ये व्यू है, इस रूम में ना हर रूम में हर जगह आपको व्यू विद बालकनी मिलेगा। हमने मंगवा ली चाय, हम लोगों ने नाश्ते में खाया पोहा। हम लोग जा रहे हैं घर फाइनली। मम्मी ने पहन लिया सूट, ऑलमोस्ट सेम सूट है, सब पिंक सूट। मम्मी अब कराएंगे चेकआउट, बाकी लोग सामान लेके आ रहे हैं यार परिवार के साथ आना, और फिर उनको तैयार करना, रेडी करना, एक अच्छे पॉइंट पे लेके आना,
थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी की टाइमिंग डिफरेंट है उठने की, किसी की खाने की डिफरेंट है, फ़ोन चला रहा है, कुछ कर रहा है। आओ आओ जी, अभी हम चलते हैं घर की तरफ। हम लोग चंडीगढ़ होके जाएंगे क्योंकि हम लोग को ना जीरकपुर में थोड़ा सा काम है एक घंटे का, तो वो फिनिश करके उसके बाद जाएंगे। लेके हमको लेना है बेसन कंडा घाट का जो फेमस है, ये है द ओरिजिनल बेसन बर्फी, फेवरेट सिंस 1978 लक्ष्मण जी। ये बहुत टेस्टी होता है, अगर आप शिमला में आते ना तो ये कंडा घाट में जरूर ट्राई करना, बहुत बहुत टेस्टी है। मैं ऐसा बेसन मैंने कभी भी नहीं खाया। हम लोग को ना मतलब आराम आराम से जाना है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी है। यहाँ पे दिल कर रहा है चाय पीने का, पानी पीने का, हम वहाँ पे रुक रहे। हम लोग पहुँचे हैं, 9:45 का टाइम हो गया है, सर आए, हम लोगों ने चाय पी है और रास्ते में हम लोग कुछ ना कुछ खाते पीते ही आए हैं। इतना ज़्यादा भी नहीं, मैं तो कुछ कुछ लेज़ ले लिया, कुछ ऐसे ले लिया, पर मैंने आज बहुत मीठा खाया है। सच्ची बताऊँ तो कंडा घाट का बेसन तो बड़ा ही टेस्टी था। और अभी पहुँचते हमको बहुत रात हो गई, हमको बीच में कुछ काम भी था तो हम वहाँ पर भी चले गए थे। और सर आए, मैं बहुत समय के बाद आई हूँ, इतना अच्छा लगा। इधर भी मौसम अच्छा हो गया, शिमला में तो बहुत ही ठंडा है बट इधर भी हल्का सा ठंडा शुरू हो गया। चाय भी बिना मीठे की सेहत अच्छी कर दी है, ट्रैवल कर रहे हैं ना। हाँ ले 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 ले, पानी की बोतल प्रीति लेके आएगी। और आज तो मैंने बिल्कुल ही बहुत ही कम कैमरा उठाया मम्मी। आज मैंने जितना खाया ना मीठा, मेरा हल्का मेरे को एक साइड से ना फेस सोजा लग रहा है इतना, क्योंकि मतलब पिछली बार भी जब मनाली में खाया तो मैंने इधर से मत्था सूझ नहीं गया था, चॉकलेट खाई थी, आज मुझे हल्का हल्का लग रहा है। तो काली मिर्च तो खा ली थी। हाँ ना, वो काली मिर्च नहीं खाई, अजवाइन ले ले, अजवाइन थोड़ी देर। हाँ बैठ ही जाते हैं, आ जाओ थोड़ी देर बैठ के चलेंगे प्रीति, थोड़ी देर बैठ के चलेंगे। गुड मॉर्निंग, हम लोग रात को पहुँच गए थे, मम्मी ने बना दी चाय, वो सामने मोर है। मेरा गला यहाँ से इतना दुख रहा है ना, रात को ऐसी नींद नहीं आ रही थी, गला दुख रहा था बट आ बहुत रही थी नींद, प्रॉपर कंप्लीट तो नहीं की, बैड बची हुई है बहुत बुरे तरीके से। मैंने भी सब कुछ चाय पीते हैं। आटा मैंने बना के रख दिया ज्वार का, मैं मम्मी सुबह के उठे हुए हैं 6:30 बजे के, दूध रख दिया गर्म होने के लिए और मम्मी ने निकाल दिया फ्रेश देसी घी। मैं जा रहे हैं नहाने के लिए, मैं बनाऊंगी चाय। मम्मी पूरा 1 घंटा लग गया इसको निकालने में ना घी को। मैं बनाने लगी हूँ तोरी की सब्जी अपने तरीके से, मम्मी गए हैं नहाने के लिए और उसके बाद मैंने ये मसाला रेडी किया है। हम लोग ना मम्मी ने इसकी पूरी बना के देखने लगे कि पूरी इसकी बनती है। आपने तब बेलन बनाएंगे, मुझे लगता है नहीं उल्टा है बेलन, ये क्या उल्टा लग रहा है मेरे को बेलन।